CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का दसवां पाठ। शायरा परवीन शाकिर, सफा 23। तारुफे शायर। शायरा परवीन शाकिर, सफा 24। गजल गो शायरा परवीन शाकिर की गजल। अब पेश है परवीन शाकिर की गजल। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सब फाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सब फाक हो गए। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, कैसे बुलंदोबाला शजर खाक हो गए, कैसे बुलंदोबाला शजर खाक हो गए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब, बस्ती में जितने आब गुजीदा थे सब के सब, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगु हुई, जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगु हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। परवीन शाकिर। मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक, मतले में शायरा ने क्या बात कहना चाही है। सवाल नंबर दो, दर्जे जील तरकीब इजाफी हैं या तौसीफी। गरीबे शहर, हवाए शाम। सवाल नंबर तीन, इस गजल की खूबियां बयान कीजिए। इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ। इस सबक के साथ हिस्सा अव्वल गजलियात खत्म हुआ। गुलजारे उर्दू भाग एक का दसवां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 11 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT।